नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपस्टॉक्स एप्लीकेशन के रेफर एंड अर्न प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। जैसे ही हम अपना दोस्तों डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं अपस्टॉक्स एप्लीकेशन में, तो हमारा डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन होता है और उसके बाद जैसे जैसे हम रेफर करेंगे तो पर रेफर हमारे को 800 रुपये मिल जाएंगे। मतलब कि अगर हम डेली का 10 रेफर भी करेंगे तो 10 रेफर का हमारे को 8000 रुपये का अर्निंग हो जाएगा फ्री में ही, और वो सीधा का सीधा रुपये हमारे को गारंटी के साथ में बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। और ये एप्लीकेशन अपस्टॉक्स 100% जेन्युइन है, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू वेरीफाइड एकदम सिक्योर एप्लीकेशन है। हमारे को दोस्तों इसमें कैसे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, कैसे रेफर करके अर्निंग करना है, पूरा जानकारी इसका मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही अर्निंग के रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं। और घंटी का बटन भी दबा दें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक्स का ये वाला लिंक मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन देगी आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है और सीधा आपके सामने मोबाइल का ब्राउजर ओपन हो जाएगा। आपको दोस्तों ऐसा पेज देखेगा, तो आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए मोबाइल नंबर इधर डाल देना है और साइन अप विद मोबाइल नंबर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और फिर दोस्तों ऐसा पेज आएगा, इधर में आपको अपना OTP मिलेगा, आपको मोबाइल नंबर पर वो डाल देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और इधर में आपको अपना 6 डिजिट का अपस्टॉक्स के लिए पिन बना लेना है और नीचे हमारे को कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और इधर में वो सेम पिन डालकर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और इधर में हमारे को अपना ईमेल ID डाल देना है और अपडेट पर क्लिक कर देना है। फिर गेट OTP पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे ईमेल ID पर एक OTP मिलेगा, वो इधर डालकर हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। और इधर में ये पूछ रहा है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड आप तैयार रखिए, तो हमारे को अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड तैयार रखना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और इधर में हमारे को अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डालकर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और इधर में हमारे को अपना जेंडर सेलेक्ट कर देना है सबसे ऊपर, और मैरिटल स्टेटस भी सेलेक्ट कर देना है, और हमारा एनुअल इनकम कितना है वो भी सेलेक्ट कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और इधर में ये ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पूछ रहा है, तो आपका जितना भी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर देना है, और फादर का नाम जैसे पैन कार्ड में वैसे हमारे को इधर डाल देना है, और ओके ऑप्शन में हम क्या काम करते हैं उसका कैटेगरी इधर सेलेक्ट कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और इधर में ये पूछ रहा है कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज है या नहीं, तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। और इंडिया में आप टैक्स पे करते हैं या नहीं, तो आपको इस पर क्लिक करके कंटिन्यू पर नीचे क्लिक कर देना है। और इधर में टर्म एंड कंडीशन के आगे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें राइट का टिक लगाकर हमारे को नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अभी इधर कांग्रेचुलेशन और हमारा नाम लिखा हुआ आ जाएगा, हमारे को सिंपली नीचे आई वांट ए स्टॉक फॉर ₹0 इस पर क्लिक कर देना है। और इधर में हमारे को अपना साइन कर लेना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, साइन इस वाइट बॉक्स में कर लेना है। और इधर में हमारे को दोस्तों ऐसा डिजी लॉकर का परमिशन मांगता है, तो हमारे को नीचे कंटेक्ट नंबर पर क्लिक कर देना है। ये डिजी लॉकर का वेबसाइट ओपन होगा, इसलिए हमारे को एक बार और प्रोसाइड पर क्लिक कर देना है। और इधर में हमारे को अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है, ये डिजी लॉकर गवर्नमेंट का ही वेबसाइट है, और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और फिर दोस्तों OTP आएगा हमारे आधार कार्ड के साथ में लिंक मोबाइल नंबर पर, वो OTP इधर डालकर हमारे को वेरीफाई कर लेना है। और इधर में ये परमिशन मांगेगा फिर, तो हमारे को नीचे अलाउ पर क्लिक कर देना है। और इधर में ये अब कैमरा का एक्सेस मांग रहा है, तो हमारे को कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और हमारे को अपना एक सेल्फी लेकर इधर अपलोड कर देना है। और फिर दोस्तों इधर में हमारे को अपना बैंक का डिटेल सही से डाल देना है, सारा का सारा रुपये हमारे को इसी में मिलेगा। तो इधर में हमारे को सबसे पहले अपना अकाउंट होल्डर नेम डाल देना है, IFSC कोड डाल देना है, बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, और री एंटर में भी बैंक अकाउंट नंबर डालकर नीचे अकाउंट सेलेक्ट कर देना है, सेविंग या करंट, और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और इधर में साइन अप फ्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हमारे को इसको सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और इधर में कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ जाएगा, हमारे को नीचे सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और इधर में कम्युनिटी और करेंसी सेगमेंट को एक्टिवेट आप करना चाहते हैं या नहीं पूछ रहे, तो अगर आप चाहते हैं तो यस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो ये नो पर भी क्लिक कर सकते हैं, और फिर आपको कंटिन्यू पर नीचे क्लिक कर देना है। और इधर में ये पूछ रहा है कि आप नॉमिनी ऐड करना चाहेंगे या नहीं, तो अगर आप चाहते हैं तो नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, ऐड नॉमिनी पर क्लिक करके, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपको आई विल डू इट लेटर इसको सेलेक्ट कर देना है। और इधर में हमारे को दोस्तों ई साइन विद आधार OTP का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना है। और इधर में ये थोड़ा लोड होगा पेज, तो हमारे को थोड़ा सा वेट कर लेना है, और उसके बाद में ई साइन नाउ पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में ये दो ऑप्शन ऐसे दिखाई देंगे, तो दोनों पर हमारे को राइट का टिक लगा देना है और नीचे प्रोसेस टू ई साइन पर क्लिक कर देना है। फिर हमारे को अकाउंट ओपनिंग का ये फॉर्म देखने को मिलेगा, नीचे हमारे को साइन अप पर क्लिक कर देना है। और इधर में NSDL गवर्नमेंट का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, इधर में जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें राइट का टिक लगाकर हमारे को अपना आधार कार्ड नंबर इधर डाल देना है, और सेंड OTP पर हम क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड के साथ में लिंक मोबाइल नंबर पर OTP मिलेगा, वो OTP इधर डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। फिर ये पेज थोड़ा सा लोड लेगा और ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, एप्लीकेशन स्टेटस एप्लीकेशन सबमिटेड। ऐसा ऑप्शन आ जाने के बाद में अब हमारे दोस्तों अकाउंट सक्सेसफुली बन चुका है, अब हमारे को 24 घंटे तक वेट कर लेना है, हमारा ये अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और हमारे को अपना यूजर
आईडी और पासवर्ड ईमेल आईडी पर मिल जाएगा। फिर हमारे को प्ले स्टोर से अपस्टॉक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर देना है और फिर कर देना ओपन। तो इसका होम पेज हमारे को ऐसा देखने को मिलेगा। रेफर करके अर्निंग करने के लिए हमारे को ऊपर प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और रेफर एंड अर्न के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इधर में से हम जो है व्हाट्सएप पर भी या फिर जीमेल आईडी पर कहीं पर भी इसका लिंक शेयर कर सकते हैं और जो भी बंदा लिंक पर क्लिक करके अकाउंट बनाएगा तो हमारे रेफर में जुड़ेगा और पर रेफर हमारे को अकाउंट एक्टिवेट होते ही 500 रुपये मिल जाएंगे और उसके बाद में अगला बंदा अगर ट्रेडिंग भी कर लेता है तो 300 रुपये और मिल जाते हैं। ऐसे हमारे को पर रेफर 800 रुपये मिल जाते हैं और सारा का सारा रुपये देखने के लिए हमारे को योर अर्निंग एंड रेफरल इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इधर में कौन कौन बंदा हमारे रेफर में जुड़ा है, कितना रुपये हमारे को मिला है और अर्निंग को विड्रॉ कैसे करना है वो भी जानकारी इधर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कौन कौन बंदा रेफर में जुड़ा है, कितना रुपये मिला है, सब इधर दिखाई दे रहा है और रुपये हमारे को दोस्तों इधर दिखाई देगा तो उसको विड्रॉ करने के लिए टेकआउट पर क्लिक कर देना है। हमारा सारा का सारा रुपये बैंक अकाउंट में हमारे को मिल जाएगा। तो आपको दोस्तों इस अपस्टॉक्स एप्लीकेशन पर अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके अंदर आप रेफर करके बहुत ही ज़्यादा रुपए कमाएंगे। ये एप्लीकेशन गारंटी के साथ में रुपए देता है और ये बहुत ही बढ़िया मौका है हमारे लिए। और मैंने एक एप्लीकेशन से दोस्तों 32,000 रुपये कमाया और इसके अंदर आप भी डेली का 2 से 3,000 रुपये गारंटी के साथ में पेटीएम में या फिर बैंक में कमा सकते हैं। तो उस वीडियो का भी दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेना और 32,000 रुपये का पेमेंट प्रूफ भी उसी में है। तो मिलेंगे वापस अगली नई वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।